गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ आकाश तिवारी एंड आई वेलकम यू ऑल इन टुडेज क्लास। टुडे वी आर कंटिन्यूइंग विद द चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, चैप्टर नंबर 5 ऑफ क्लास 10th। तो देखिए, पिछले क्लास में हमने मेंडेलीव के बारे में, न्यूलैंड लॉज ऑफ ऑक्टेव्स और डोबेरेनर ट्रेड्स के बारे में देखा था। तो इस बार का जो लेक्चर है, या आज का जो लेक्चर है, देखिए हमने पिछले बार में ये देखा कि चाहे तीनों साइंटिस्ट का अगर आप देखें डिस्कवरी, तो उन्होंने जो फाइंड किया था वो उन्होंने देखा था ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मासेस, ठीक है, एटॉमिक मास के बेसिस में एलिमेंट्स को अरेंज किए। लेकिन देखिए, तीनों के तीनों जो साइंटिस्ट जो थे, इनके जो टेबल में कुछ ना कुछ आपकी ड्रॉबैक आई थी, ठीक है। लिमिटेशंस हमने कवर किए थे, मेन जो इनमें फीचर्स थे वो देखे और लिमिटेशंस भी देखे थे कि क्या क्या लिमिटेशंस थे। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट या सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है, ये क्या है, ये कैसे बनता है, ये इसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। इसका मेन पर्पस क्या था, कैसे क्लासिफाई किया गया था, ठीक है, सब इसके बारे में देखेंगे, अपन जानेंगे। ये जो आज के समय में जो क्लासिफिकेशन है एलिमेंट्स का, वो है आपके एटॉमिक नंबर के बेसिस पे, ठीक है। इसको याद रखिएगा कि अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करो कि देखो, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बाद से अभी तक फिलहाल और कोई टेबल आया नहीं है, मेनली इसी टेबल को ही फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो अभी जो हम फॉलो करते हैं वो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और ये आपकी वर्क करती है ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, ठीक है। हेनरी मुजले ने कहा कि एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट इज़ अ बेटर बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। आप जानते हैं अभी तक 18th सेंचुरी में जितने भी डिस्कवरी हुई, दे वेयर ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मासेस। लेकिन जो मुजले जो थे, इन्होंने ये थ्योरी जो दी, ठीक है, उसमें इन्होंने ये कहा, डिस्कवरी की है, एलिमेंट्स की स्टडी की, तो इन्होंने ये कहा कि एटॉमिक नंबर जो है, ये ज़्यादा सुटेबल बेसिस है एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन के लिए, ठीक है, ना कि एटॉमिक मास। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहता है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। इसका मतलब है कि एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ है वो पीरियोडिक फंक्शन है किसके, एटॉमिक नंबर के। पीरियोडिक फंक्शन मतलब क्या होता है कि जो प्रॉपर्टीज़ होती है एलिमेंट्स की, वो रिपीट होती है, ठीक है। पहले वो एक सीक्वेंस में जाएगा या एक इंटरवल के बाद उसकी जो प्रॉपर्टी, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी जो है एलिमेंट्स की, वो आपकी फिर से उसी तरीके से रिपीट होगी जैसे आपकी पहले एलिमेंट्स की है, ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं लिथियम, ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, ऐसे अगर मैं एलिमेंट्स में जाता हूँ नीचे की तरफ, अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखोगे, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, तो ये देखो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, अगर मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ टेबल में, तो जो प्रॉपर्टीज़ जो होती है, ऐसा कहते हैं कि प्रॉपर्टीज़ आपकी सेम होती है। कौन सी प्रॉपर्टीज़, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो आपकी सेम होती है, ठीक है। तो यही है आपका मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, जिसका मतलब है कि जब देखो, इसका मतलब क्या हुआ इस लॉ का, कि जब एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, तो उस समय प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनमें रिपीटिशन होती हैं, एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं ना, वो रिपीट होती हैं कुछ इंटरवल के बाद। अब मेरे ख्याल से यही चीज़ आपकी डोबेरेनर ने दे, सॉरी यही चीज़ आपकी न्यूलैंड ने दिया था, और यही चीज़ आपकी मेंडलीव ने दिया था, ठीक है, दोनों की थ्योरी यही थी। अब देखिए, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की मैं बात करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको टेबल दिखा दूँ, ये है आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अगर आप लेफ्ट टू राइट की तरफ जाते हैं, तो इसको कहते हैं पीरियड,
ठीक है, इसको याद रखेगा, वेल मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट या हॉरिजॉन्टल रोज जो है इसको कहते हैं पीरियड। अगर आप ऊपर से नीचे जाते हैं इसको कहते हैं ग्रुप, ठीक है, इसको याद रखिएगा कि ऊपर से नीचे जाने में इसको बोलते हैं ग्रुप और इधर से ऐसे जाने में इसको बोलते हैं पीरियड। तो ज़रा देखिए, अगर मैं ग्रुप्स की बात करूं तो ऊपर से नीचे ग्रुप होता है, तो ये ग्रुप 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। इसका मतलब है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स होते हैं और ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 7 पीरियड्स होते हैं, ठीक है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स और 7 पीरियड, ठीक है, इसको याद रखिएगा, 18 ग्रुप और 7 पीरियड्स होते हैं। चलो अब देखें ज़रा आगे, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को प्रिपेयर किया था बोर ने, ठीक है। तो किसने प्रिपेयर किया, या जो ये जो आपको जो चार्ट जैसा, ये टेबल जैसा जो दिख रहा है अभी, जो मैंने आपको डायग्राम जो दिखाया, इसमें ये जो टेबल है इसको बनाया था बोर ने, ठीक है, बोर ने तैयार किया था ये टेबल को। इस टेबल में एलिमेंट जो है वो अरेंज किए जाते हैं हॉरिजॉन्टल रोज में, ठीक है, कैसे, ये ऐसे। तो इस हॉरिजॉन्टल रोज को क्या बोलते हैं, दे आर नथिंग बट द पीरियड्स, ठीक है, पीरियड्स हॉरिजॉन्टल रोज, दिस हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड पीरियड्स, ठीक है। और जब हम एलिमेंट जिनमें सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे अभी मैंने टेबल में दिखाया था लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मतलब अगर आप नीचे की तरफ आ रहे हो किसी भी टेबल में, ठीक है, आपकी, मैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात कर रहा हूँ, तो अगर टेबल में अगर आप देखोगे तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये एक के नीचे रखे हैं, ठीक है, एक के नीचे एक ऐसे करके रखे हुए हैं। तो ये वही बताना चाह रहा है कि जो एलिमेंट्स में सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, तो उनको हमेशा वर्टिकल कॉलम में रखा जाता है, जिसको हम बोलते हैं ग्रुप्स। मतलब अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो जो इनकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, वो सेम रहेगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ, लिथियम की बात करें तो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2 और 1, है ना। और उसी तरीके से अगर मैं इसके नीचे आता है सोडियम, सोडियम की बात करूं तो इसमें कितना होता है, 2, 8, 1। पोटेशियम की बात करूं तो 2, 8, 8, 1। तो यहां से क्या दिख रहा है आपको कि भले ही ये देखो नंबर ऑफ शेल्स जो है वो एक एक करके बढ़ रहे हैं, लेकिन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन जो है वो देखो सेम है सब में, इसीलिए इसको हम ग्रुप्स कहते हैं। ग्रुप्स मतलब क्या हुआ कि जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आओगे इन द टेबल तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो आपकी सेम रहेगी, इसी को ग्रुप कहेंगे, ठीक है। और जो प्रॉपर्टीज जो है, देखो प्रॉपर्टीज जो आपने पीरियोडिक लॉ जो देखा था वो यही है कि आपकी जो प्रॉपर्टीज है वो सेम रहेगी, ठीक है, इसीलिए उसको हम एक के नीचे एक रख रहे हैं उसको। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करें तो 18 ग्रुप्स और 7 पीरियड्स होते हैं, ये मैंने आपको दिखा दिया था टेबल में। पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन वॉज अ बिग प्रॉब्लम, वॉज सम हाउ एबल टू एक्सप्लेन एंड प्लेस इट इन द ग्रुप 1। देखो अभी तक अगर आपने ध्यान दिया हो तो जितने भी डिस्कवरीज हुए, चाहे मेंडलीव की बात करें, चाहे आपके न्यूलैंड की बात करें, ये हाइड्रोजन जो था ना ये सबसे बड़ा सिरदर्द था, और ये प्रॉब्लम आज तक सॉल्व नहीं हुई है, ठीक है। तो आप आज तक इसको ये नहीं कह सकते कि ना ये आपका मेटल है कि नॉन मेटल है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, हम आज तक इसको क्लियरली नहीं आइडेंटिफाई कर पाए हैं कि हाइड्रोजन को कहाँ रखते हैं, ठीक है, चाहे मेटल में रखना कि नॉन मेटल में रखना है। तो उसी तरीके से पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स वेयर आल्सो
एक्सप्लेन्ड, ठीक है, आपकी जो पीरियोडिक टेबल है, अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इसमें आपकी आइसोटोप्स की पोजीशन को एक साथ रखा गया था। देखिए हमने, देखो अगर मैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करूँ तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स जो अरेंज हैं वो है आपकी एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। और आप जानते हो आइसोटोप्स क्या होते हैं, जिनमें एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास अलग अलग होते हैं। तो आइसोटोप्स को जब रखा गया था तो ये हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 1 है इसी के ही साथ इसके तीनों के तीनों आइसोटोप्स को रखे गए, ठीक है। चाहिए ये है आपका प्रोटियम, ये है आपका ड्यूटेरियम और ये है आपका, सॉरी ये है आपका ट्रीटियम, ठीक है। चाहे वो प्रोटियम हो, चाहे ड्यूटेरियम हो, चाहे ट्रीटियम हो, ये तीनों के तीनों रहेंगे हाइड्रोजन के साथ ही। क्यों? क्योंकि इसका जो एटॉमिक नंबर है और इसका, चाहे इसका, तीनों का जो एटॉमिक नंबर है वो आपकी सेम है। और हमारा जो टेबल है वो किस बेसिस पे बना है? एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। इसीलिए हम आइसोटोप्स की पोजीशन को बहुत आसानी से एक्सप्लेन कर पाए। चलिए मेरिट्स में देखते हैं कि आपकी मेरिट्स क्या क्या है इसमें, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के फायदे क्या क्या हैं। एलिमेंट्स इन ए ग्रुप शो सिमिलर प्रॉपर्टीज। जब हमने एलिमेंट्स को रखा ग्रुप में, ठीक है, मतलब है कैसे, ऐसे फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ जब मैं आ रहा हूँ तो मैं ये देख रहा हूँ कि एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ है वो आपकी सेम है, ठीक है, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो सिमिलर है, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। अगर वैलेंसी जैसे मैंने आपको दिखाया अभी थोड़ी देर पहले, मैं आपको बताया चाहे लिथियम हो, चाहे सोडियम हो, चाहे पोटेशियम हो, तीनों के आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? एक है। तो इसका मतलब इनकी प्रॉपर्टी तो सेम होगी ना। ये सारे के सारे मेटल्स हैं, ठीक है, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है तो ये सारे के सारे मेटल्स हो गए, तो प्रॉपर्टी सिमिलर आ रही है। बिल्कुल उसी तरीके से देखो आगे, एलिमेंट्स इन डिफरेंट ग्रुप शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज। अलग अलग ग्रुप की जो एलिमेंट हैं उनमें अलग अलग तरीके प्रॉपर्टी होती है। तो वैसे देखो जैसे लिथियम सोडियम पोटेशियम ये एक ग्रुप हो गया, ठीक है, फिर बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम ये एक एक ग्रुप हो गया, ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से आपका चलता जाएगा। तो इनकी जो प्रॉपर्टी जो होगी वो सेम होगी और इसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो सेम होगी। चाहे बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम की प्रॉपर्टी सेम है, लिथियम सोडियम पोटेशियम की प्रॉपर्टी सेम है, लेकिन इनकी प्रॉपर्टी इसकी प्रॉपर्टी से अलग होगा। मतलब समझ रहे हो कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? जब डाउन दी ग्रुप आप जाओगे तो प्रॉपर्टीज आपकी सेम रहेगी, लेकिन जब आप इधर जाओगे इन द पीरियड आपकी प्रॉपर्टीज बदलेगी, ठीक है, इसको याद रखना। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन द एटॉमिक नंबर, ये मैं आपको बता चुका हूँ। दिस टेबल एक्सप्लेन्स द रीज़न फॉर द पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स। तो ये टेबल क्या बताता है? पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, ये भी आप, मैंने आपको कवर करवा दिया स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से। एडवांटेज में आओ ज़रा, स्टडी ऑफ केमिस्ट्री बिकम ईजी एंड सिस्टमेटिक। क्यों? क्योंकि हमें एलिमेंट्स की ना प्रॉपर्टीज़ पता चलने लगी कि वो मेटल है कि नॉन मेटल है, तो वो किस कंपाउंड के साथ किस तरीके से रिएक्ट करेगा। ये थोड़ी सी चीज़ें, क्योंकि सिस्टमेटिक ढंग से हमने एलिमेंट्स को रखा तो ये हमें देखने में बहुत ज़्यादा आसानी हुई। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट कैन बी नोन बाय सीइंग द पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। तो एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज जो थी वो हम पता लगा सकते हैं, ठीक है, पता लगा सकते थे बाई सीइंग द पोजिशन ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। वो एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में कहाँ पर रखा हुआ है ये देख के हम ये पता लगा सकते हैं कि जो एलिमेंट है वो आपकी मेटल है कि नॉन मेटल है, ठीक है, कि मेटलॉइड्स है। मेटलॉइड्स क्या होते हैं? जिनमें दोनों की प्रॉपर्टी होती है, वो मेटल्स की प्रॉपर्टी शो करते हैं, वो नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी शो करते हैं, तो उनको हम मेटलॉइड्स कहते हैं। तो इसको याद रखिएगा कि हम जो एलिमेंट आपकी पीरियोडिक टेबल में रखी है उसकी पोजीशन देख के मैं ये पता लगा सकता हूँ कि वो कहाँ पे रखा है, मतलब उसकी जो प्रॉपर्टी है वो कैसी होगी उस एलिमेंट्स की, ठीक है, चाहे मतलब इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा,
उसमें वो मेटेलिक कैरेक्टर्स अच्छे होंगे कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर अच्छे होंगे, ये सारी चीज़ें हम पता लगा सकते हैं पोजीशन देख के। टाइप्स ऑफ एलिमेंट फॉर्म्ड बी प्रेडिक्टेड बाई नोइंग इट्स पोजिशन इन द पीरियोडिक टेबल, और किस तरीके का एलिमेंट का फॉर्मेशन होगा या किस तरीके के कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी, ये चीज़ हम पता लगा सकते हैं बाई नोइंग द पोजिशन ऑफ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। अब देखो, मैं ज़रा ट्रेंड्स की बात करता हूँ। अगर मुझे ट्रेंड पता करना है, चाहे मैं डाउन द ग्रुप में जाऊं या लेफ्ट टू राइट में जाऊं पीरियड्स में, ठीक है, डाउन अगर ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा हूं डाउन द ग्रुप, ठीक है, तो वो क्या होता है, ग्रुप होता है, ऊपर से नीचे ग्रुप, ठीक है, और लेफ्ट टू राइट अगर जा रहा है तो पीरियड, तो इसको याद रखेगा। तो इसमें अगर मेरे को ट्रेंड्स को अगर देखना है, ट्रेंड आइडेंटिफाई करनी है कि ट्रेंड कैसा है, तो मैं कैसे पता करूंगा उसके बारे में। देखिए, मैं अभी अभी आने वाले जितने भी टॉपिक हैं, ठीक है, उसमें हम ट्रेंड्स के बारे में ही देखेंगे। तो ट्रेंड हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, बाय सीइंग देयर प्रॉपर्टीज़, उनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है उसको देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वैलेंसी से। इन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड, ठीक है, अगर मैं पीरियड में जाता हूँ लेफ्ट टू राइट में, ये देखिए, ये रहा आपके पास एग्जाम्पल कि मैं लेफ़्ट टू राइट जा रहा हूँ पीरियड में। अगर आप पीरियोडिक टेबल में जाएंगे आपको दिख भी जाएगा, ठीक है, एलिमेंट इसी फॉर्म में आपको दिखेंगे पीरियोडिक टेबल में भी। अगर मैं लेफ़्ट टू राइट जाता हूँ पीरियड में, तो वैलेंसी जो है वो बढ़ती है फ्रॉम 1 to 4, एंड उसके बाद फिर वो डिक्रीज होती है टू दी 0, ठीक है। कैसे होता है वैलेंसी, क्या होता है, आपकी आउटर मोस्ट शेल में जितनी भी इलेक्ट्रॉन होती है, वैलेंसी एक्चुअल में उसकी कैपेसिटी होती है, किसी भी एलिमेंट्स की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है वही उसकी वैलेंसी कहलाती है। तो देखिए ज़रा, मैं दिखाता हूँ आपको एक एक करके। सोडियम, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, इसलिए वैलेंसी 1। मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए वैलेंसी 2। एल्यूमिनियम में 3 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए वैलेंसी 3। फिर सिलिकॉन की 4। अगर फास्फोरस में आते हैं तो फास्फोरस में 5 होता है, ठीक है, क्योंकि आप जानते हो कि 5 है, तो फिर इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 3, क्योंकि अपने 3 एलिमेंट्स कहीं से एक्सेप्ट करेगा। सल्फर की वैलेंसी 2, क्लोरीन की वैलेंसी 1, ठीक है, और एर्गॉन, एर्गॉन तो ये तो आपकी नोबल गैसेस है, इसकी वैलेंसी 0, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक ट्रेंड क्या दिख रहा है, जब आप लेफ्ट टू राइट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो आपको ये दिखा कि एलिमेंट्स जो हैं उसकी वैलेंसी पहले बढ़ती है, ठीक है, ये आपकी बढ़ रही इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, 1 2 3 4, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपके एलिमेंट्स बढ़ रहे हैं, और उसके बाद अप टू 4 तक आने के बाद ये आपकी वैलेंसी जो है वो धीरे धीरे कम हो रही है, फिर 3 2 1 0 ऐसे जा रहा है, ठीक है, पहले ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद ये नीचे की तरफ गया, तो इसको याद रखिएगा। इन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, अब मैं ज़रा इन द ग्रुप में बात कर लेता हूँ। अगर हम ग्रुप में आते हैं ऊपर से नीचे की तरफ, तो देखिए वैलेंसी जो है वो सेम रहती है। ये मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया, ये देखिए, ये लिथियम 2 1, इसलिए वैलेंसी 1। सोडियम 2 8 1, आउटर मोशन में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए वैलेंसी 1। पोटेशियम में आउटर मोशन में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए वैलेंसी 1। तो वैलेंसी तीनों की सेम है, मतलब डाउन द ग्रुप आपकी वैलेंसी जो है वो सेम रहेगी, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। अगर आप डाउन द ग्रुप आ रहे हैं एलिमेंट्स को, एलिमेंट्स में या पीरियोडिक टेबल में, तो आपकी जो वैलेंसी है वो सेम रहेगी ग्रुप में, लेकिन अगर आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहले आपकी जो वैलेंसी है वो बढ़ती है, फिर 0 हो जाता है, ठीक है, 0 होने के बाद फिर आपकी घटती है, ठीक है, मतलब 0 नहीं होता, 4 तक जाता है, पहले 1 2 3 4, 4 के बाद ना फिर आपकी डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाने लगता है, और उसके बाद फिर लास्ट में जाके 0 हो जाता है, ठीक है, 0 आपकी लास्ट में आती है। अब एटॉमिक साइज में आते हैं। एटॉमिक साइज को देखो, अगर डाउन द ग्रुप में जाता हूँ तो देखो ज़रा, आप एटॉमिक साइज खुद ही देखो। लिथियम 152,
सोडियम 186, पोटेशियम 231, रुबिडियम 244, सीजियम आपकी 262, फ्रेंशियम कितना है 270। तो यहाँ से क्या दिख रहे हो, जब आप डाउन द ग्रुप में जा रहे हो एलिमेंट्स में, तो आपकी जो एटॉमिक रेडियस है, देखो एटॉमिक रेडियस दैट इज़ नथिंग बट द एटॉमिक साइज, ठीक है, एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस में कंफ्यूज नहीं होना। देखो आपने क्या पढ़ा है, ये होता है क्या न्यूट्रॉन, और ये है शेल्स, इन्हीं शेल्स में ही आपकी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपकी रोटेट करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, या आपकी न्यूट्रॉन, ठीक है, ये आपने बोर्स मॉडल वगैरह में आपने पढ़ा है, ये नहीं पढ़ा है तो आप क्लास 9 की बुक में जाइए, वहाँ से आप देख सकते हैं, इसकी स्टडी कर सकते हैं। चलो अब ज़रा इसमें देखते हैं क्या होता है कि यहाँ पे ये है आपका न्यूक्लियस, और इसकी जो डिस्टेंस होती है किससे, शेल से, ठीक है, शेल से, आउटर मोस्ट शेल से, कौन कहाँ से, आउटर मोस्ट शेल से आपकी जो न्यूट्रॉन की या जो आपकी न्यूक्लियस है उसकी जो डिस्टेंस है, इसी को हम कहते हैं आपकी एटॉमिक रेडियस, ठीक है, और यही तो आपकी एटॉमिक साइज हुई ना, जितना ये होगा उतनी इसकी साइज होगी, तो एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज जो है वो लगभग सेम है, इसलिए कंफ्यूज मत हो जाना कि एटॉमिक रेडियाई अलग टर्म आ गया, एटॉमिक साइज अलग टर्म, नहीं नहीं दोनों सेम है, बस लिखने का तरीका बस अलग अलग है, ठीक है। रेडियाई से आप समझ सकते हो कि सर्कल का कोई रेडियस वगैरह का बात कर रहा है, तो उसी तरीके से ज़रा देखो ये आपको क्या दिख रहा है कि जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जा रहे हो डाउन द ग्रुप, तो आपकी एटॉमिक साइज बढ़ते जा रही है, क्यों, देखो सीधी सी बात है, यहाँ पे आप देखो ज़रा, यहाँ से आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, यहाँ पे दो शेल है, एक शेल दो शेल, नीचे में आए तो तीन शेल हो गया, ये एक शेल दो शेल तीन शेल, तो भैया इसकी साइज़ यहाँ से, इसकी साइज़ यहाँ से, तो बड़ा कौन सा हुआ, सीधी सी बात है यही बड़ा हुआ ना, तो जैसे जैसे नीचे जाओगे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं तो आपकी तो एटॉमिक साइज तो बढ़ेगी ना, कॉमन सेंस की बात है ये, तो ज़रा देखो यहाँ से इधर देखते हैं कि जब आप पीरियड में आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो पीरियड में आगे बढ़ते हैं तो क्या दिखता है आपको कि जब अपन लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ज़रा इसको आप खुद ही वैल्यू देखो, पहले ये 186, 160, 143, 118, 110, 104, 199, मतलब जब आप लेफ्ट टू राइट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं पीरियड में, तो आपकी तो एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रही है ना, ये बड़ा कंफ्यूजिंग वाला है, भैया आपकी तो एटॉमिक नंबर तो बढ़ रहा है ना, ये देखो ये कितना है 11, 12, 13, 14, मतलब एटॉमिक नंबर तो आपकी कंटिन्यूसली बढ़ रही है, लेकिन आपकी एटॉमिक, फिर आपकी ये भी तो बढ़नी चाहिए ना, क्या बोलते हैं, एटॉमिक साइज भी तो बढ़नी चाहिए, तो एटॉमिक साइज कम क्यों हो रहा है, देखो इसके पीछे भी ना एक प्रॉपर्टी होती, क्या होता है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, जैसे ये 11 है, ठीक है, सोडियम का 11 है, तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं, आप जानते हो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं, यही आपके एटॉमिक नंबर होती है, ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं, ठीक है, मैं प्रोटॉन्स की बात कर रहा हूँ, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे नंबर ऑफ प्रोटॉन तो बढ़ेंगे ना, है ना, ऑफकोर्स आप ये भी कहोगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहे हैं, तो दोनों तो सेम होते हैं, तो फिर दोनों मेंटेन रहे या बराबर रहना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं होता, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो बढ़ते जा रहा है, इसके कारण क्या होता है कि आपकी जो अट्रैक्शन है, ठीक है, वो भी बढ़ती है, ये इलेक्ट्रॉन्स आप जानते हो ये सब यहाँ रहता है इलेक्ट्रॉन्स शेल्स में, प्रोटॉन यहाँ पे रहता है अंदर में, ठीक है, और प्रोटॉन क्या करता है, जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ता है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स को ना अपनी तरफ खींचता है, अट्रैक्ट करता है, आप जानते हो ये एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो अगर पॉजिटिव जो नेगेटिव है वो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज है अंदर में पॉजिटिव चार्ज है, तो ये दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे, समझ में आ रही है बात, ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या दिखा कि जो प्रोटॉन जो रहते हैं वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जिसके कारण जो उसकी जो साइज़ है ना वो श्रिंक होती जाती है, और आप जानते हो जैसे 11, 12,
ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो बढ़ते जा रहे हैं ना कंटिन्यूसली, तो इसकी जो खींचने की जो कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन को वो भी बढ़ते जाएगी, ठीक है, इसको याद रखेगा। अब आते हैं मेटलिक कैरेक्टर में। ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड मेटलिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट्स डिक्रीजेस एंड नॉन मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, ठीक है। तो अगर आप लेफ्ट टू राइट की तरफ जाते हैं, इसको याद रखेगा, ये यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है, अगर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो मेटलिक कैरेक्टर आपकी डिक्रीज होती है, मतलब ये बहुत अच्छा मेटल है, उसके कंपैरिजन में ये इससे थोड़ी सी कम है, ये कम है कम है, ये यहाँ से आपकी ज़ीरो हो जाती है, इनमें मेटलिक कैरेक्टर ख़त्म ही हो जाती है। तो जैसे जैसे आप राइट की तरफ आगे बढ़ेंगे आपकी जो मेटलिक कैरेक्टर है धीरे धीरे ख़त्म होते जाएगी और नॉन मेटलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। तो यहाँ से क्या दिख रहा है, अगर आप ऐसे जा रहे हैं तो नॉन मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, और अगर यहाँ से ऐसे आएंगे ना तो नॉन मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, समझ में आया, ठीक है। तो मेटल्स जो है वो यहाँ पे हैं, स्ट्रॉन्ग मेटल्स की अगर मैं बात करूँ तो मेटल्स को जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट आगे बढ़ेंगे तो मेटल से नॉन मेटल की तरफ आप बढ़ रहे हैं, तो नॉन मेटलिक कैरेक्टर जो है वो बढ़ेगा इन पीरियड्स, और गोइंग डाउन इन ए ग्रुप मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, ठीक है। जैसे जैसे आप नीचे जाते जाएंगे ग्रुप में तो जो मेटलिक, मैं मेटल्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये सारे के सारे मेटल्स एलिमेंट हैं, तो अगर मेटल्स की बात करें तो डाउन द ग्रुप अगर आप जाएंगे तो मेटलिक कैरेक्टर जो है वो बढ़ता जाएगा। उसी तरीके से अगर नॉन मेटलिक कैरेक्टर में अगर जाते हैं तो नॉन मेटल्स को देखो, ये रहा आपका नॉन मेटल है ये सारे के सारे, तो अगर नॉन मेटलिक कैरेक्टर अपन देखते हैं डाउन द ग्रुप में तो नॉन मेटलिक कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज होती है, लेकिन आप जब ग्रुप में जाते हैं नीचे की तरफ तो मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, तो मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप और नॉन मेटलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है डाउन द ग्रुप, ठीक है, इसको याद रखिएगा। सो इतना ही था आपके इस पर्टिकुलर चैप्टर में, यहाँ से आपका चैप्टर ख़त्म है, ठीक है। सो दैट वॉज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू।